सवाल है। वैसे भी जो अभी आपका कर रहे हैं ना वहाँ पे, अभी हम जाएंगे देखने के लिए, वहाँ भी तो कम से कम 3 जिग जा रहा है। नहीं वो तो उस साइड तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, वो तो नो अदर ऑप्शन, ये दिख रही है ना रोड की दो कटिंग दिख रही है आपको, 1-2। तो अगर इसमें आते हैं तो देयर विल बी 3 लूप्स, मतलब ग्रेडियंट विच यू आर गेटिंग बिकॉज ऑफ दिस लूप हम ले रहे हैं, उससे आपकी बहुत अच्छी 130 का इसमें वो है सर। लास्ट ईयर जब मैं यहाँ पे आया था, आप सबकी रिक्वेस्ट थी, सीसी साहब ने भी बताया था कि कारगिल दुमकिल रोड पे हमारा कंडीशन रोड का काफ़ी ख़राब है, और विंटर टाइम में एवलांच प्रोन एरियाज़ में भी ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्शन बहुत होता है। तो इस साल में हमने ये रीअलाइनमेंट का पोर्शन सेक्शन किया है, जिसमें कि पूरा जो एवलांच प्रोन एरिया है जिससे ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्शन होता था स्नो विंटर सीजन में, वो अभी आने वाले टाइम में हट जाएगा। उसके अलावा रोड की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का रीसर्फेसिंग करेंगे और करीब 17 किलोमीटर का हम स्ट्रेंथनिंग करेंगे। ये टोटल रोड करीब 49 किलोमीटर का है, तो आप देखिए 27 किलोमीटर का हम ब्लैक टॉपिंग फ्रेश कर रहे हैं और करीब 4 किलोमीटर का नया रीअलाइनमेंट कर रहे हैं, तो कुल मिला के करीब 31 किलोमीटर की ये रोड बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। और उसके अलावा भी जो रोड के साइड में जो भी स्ट्रक्चर डैमेज है उसके लिए भी हमने रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए इनको फंड दिया, और आने वाले टाइम में इसकी स्नो क्लियरेंस और इस रोड को पूरा खोलने के लिए भी सैंक्शन किया है, तो जिससे कि मेटालिक साइड से कारगिल के कनेक्टिविटी पूरे साल अच्छी तरह से सभी तरह की गाड़ियों की रहेगी।